नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं आपके साथ आशुतोष सिंह। बिहार के कटिहार के कड़ुआ से विधायक शकील अहमद से हमारी सहयोगी नेहा ने खास बातचीत की, जिसमें हमने बिहार की राजनीति से जुड़े तमाम सवाल पूछे हैं। साथ ही साथ हमने समझने की कोशिश की कि अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव की रणनीति किस तरीके से तैयार की जा रही है। आइए देखते हैं हमारी ये खास पेशकश। का सहयोगी दल रहे राज्य, तो उनका कहना है कि बीजेपी जानबूझ के छोटी पार्टियां जैसे जेडीयू और लोजपा को अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़ाती है। उनका एजेंडा है कि जो वोट कटेंगे वो डायरेक्टली बीजेपी को जाकर फायदा होगा। ये भी हो सकता है, ये एक प्रपोजिशन हो सकता है, लेकिन तीनों पार्टियों के बीच में जो भारतीय जनता पार्टी के बिहार में सहयोगी है, लोजपा हो, जनता दल यू हो, भाजपा हो, ये तीनों के आपस में जिस तरह का सर फुटाउल है, ये तो जग जाहिर हो रहा है और जनता भी इस बात को देख रही है कि ये पार्टियां जो साथ में चुनाव लड़ती हैं, सरकार में शामिल है, जनता दल तो सरकार में शामिल नहीं है लेकिन लोजपा सरकार में शामिल है, तो उनके बीच में आपसी खटास बढ़ा हुआ है और इसलिए पब्लिक डोमेन में आके ये बात कर रहे हैं। लेकिन झारखंड में तो मामला बिल्कुल तय है। झारखंड में जो हम लोग का गठबंधन है वो मजबूत स्थिति में है, उसकी फिक्र नहीं करना। बिहार में आप क्या कहेंगे? बिहार में आज के दिन में प्राथमिकता कांग्रेस पार्टी की अपनी मेहनत पे है, अपनी जो उसकी ताकत है उसको बनाने में लगी हुई है। इसके आगे पीछे हम लोग कुछ नहीं बोल रहे। आगे हम लोग देखेंगे दोबारा राजद कांग्रेस और अन्य पार्टियों का गठबंधन। आगे देख, अभी इब्तदा इश्क होता है क्या, आगे देख होता है क्या। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम दिलचस्प खबरों के लिए आप देखते रहे सिटी पोस्ट। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा? अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप, सोल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।